बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूं आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में बहुत ही मज़े का चिकन विंग्स बेकन हेल्दी एयर फ्रायर की रेसिपी लेके आई हूं। तो चलिए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहां पे मैंने चिकन विंग्स को ऑलरेडी वॉश कर लिया हुआ है। लेमन और विनेगर डाल के इसको मैंने वॉश कर लिया हुआ है प्रॉपरली। तो अभी इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी मैंने यहाँ पे प्रिपेयर कर लिए हैं। इसमें लिया मैं नमक, ब्लैक पेपर का पाउडर, जिंजर का पाउडर, गार्लिक का पाउडर और ऑल पर्पज सीजनिंग और पपरिका पाउडर। तो अभी हम इसकी मैरिनेशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून जो है वो मैं सनफ्लावर ऑयल यूज़ कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून सनफ्लावर ऑयल यूज़ किया है। तो अभी इसमें जो स्पाइसेस हैं उसमें नमक और ब्लैक पेपर का पाउडर और जिंजर का पाउडर, गार्लिक का पाउडर और जो पपरिका पाउडर, ऑल पर्पज सीजनिंग, ये सारे मैं इसमें डाल दूँगी। और इसको मैं नाइसली मिक्सअप करने के बाद इसको फ्रिज में मैरिनेशन करने के बाद 1 घंटा रख दूँगी, क्योंकि इसमें सारे जो मसाले हैं वो सही तरह से अब्सॉर्ब हो जाएंगे और इसका जो नाइस फ्लेवर है वो विंग्स के अंदर आ जाएगा। इसको मैं यूटन हेल्दी एयर फ्रायर में बेक करूँगी, क्योंकि ये बहुत हेल्दी ओवन है, इसमें कोई फ्राई करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अभी मैं इसको मैरिनेशन फिनिश करने के बाद इसको फ्रिज में डाल देती हूँ 1 घंटे के बाद। मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया सारे स्पाइसेस के साथ। तो मैं अभी भी इसको फ्रिज में रखने जा रही हूँ, तो मैं आपको मिलती हूँ 1 घंटे। यहाँ पर देखिए मैरिनेशन को 1 घंटा गुजर चुका है। तो अभी हम इसको यूटन हेल्दी एयर फ्रायर में बेक करने के लिए रख लेती हूँ। तो इसको मैं प्लेस कर लेती हूँ सारे चिकन विंग्स को, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने सारे चिकन विंग्स को प्लेस कर लिया हुआ है। तो अभी इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पर इसको 15 मिनट के लिए 200 सेल्सियस पे मैंने सेट कर दिया। तो अभी इसको बेक कर लेते हैं और दूसरी तरफ हम इसकी सॉस रेडी कर। तो सॉस के लिए मैंने लिया है 4 टेबलस्पून जो टमाटो केचप, और इसमें मैं डाल दूँगी सोया सॉस, वो भी तकरीबन मैं 2 टेबलस्पून यूज़ करूँगी। मैं यहाँ पर डार्क सोया सॉस यूज़ कर रही हूँ, और इसमें मैं डाल दूँगी, अब इसमें मैं डाल दूँगी 2 टेबलस्पून जो हनी, और इसकी मैं बिल्कुल लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक इसको कुक कर लूँगी। कि यहाँ पे जो है ना, इसको मैंने लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक सॉस को कुक कर लिया, तो ये अच्छी थिक हो चुकी है। तो अभी इसकी फ्लेम ऑफ कर लेते हैं, और जो हमारे विंग्स रेडी होते हैं तो फिर हम ब्रश के साथ इसकी कोटिंग करें। 7 मिनट गुजर चुके हैं, तो अभी हम इसको ओपन करके देखते हैं। तो अभी हम इसको फ्लिप ओवर करके इसकी साइड से निकाल लेते हैं। सारे मैंने इसके साथ चेंज करके फिर इसको दोबारा से मैं ऑन कर देती हूँ। फिर मैंने इनका सबको फ्लिप ओवर कर लिया था, अभी इसको बंद कर देते हैं दोबारा से और इसको बेक कर लेते हैं जो हमारे 8 मिनट रहते हैं। यहाँ पे हमारे 8 मिनट गुजर जाने के बाद हमारे बहुत मज़े का चिकन विंग्स जो हैं बेक हो चुके हैं। तो अभी हम इनको निकाल लेते हैं। मैंने चिकन विंग्स को निकाल लिया हुआ, तो इसको मैं ब्रश के साथ कोट कर लेती हूँ 1-1 पीस को सॉस के साथ, और फिर हम दोबारा इसको बेक करेंगे 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल ऐसे। ये देखिए बिल्कुल इसको नाइसली कोट करके फिर इसको दोबारा से हम रख देंगे। तो इस तरह से मैं बाकी के भी सारे रेडी करके फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने सारे विंग्स को कोट कर लिया हुआ सॉस के साथ, तो अभी हम इसको दोबारा से बेक कर लेते हैं 3 से 4 मिनट तक। इसका जो यूटन हेल्दी एयर फ्रायर, इसको दोबारा ऑन कर लेती हूँ मैं और इसको 3 से 4 मिनट तक देख। चिकन विंग्स को 7 मिनट हो गए हैं, अब ये बिल्कुल रेडी हैं। तभी मैं आपको सर्व करके देखें। यहाँ पे चिकन विंग्स जो है वो बिल्कुल रेडी हैं। इनको मैंने गार्निश कर लिया हरे धनिया के साथ, बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। अभी प्लीज़ इसी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखिए मैंने चिकन विंग्स को सर्व कर लिया, बहुत ही मज़े के बने हैं, बहुत ही सिंपल रेसिपी है।
आप भी प्लीज़ इसी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर टू फैमिली फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। मैं आपको मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दो में याद रखिएगा।